इस वीडियो में सीखेंगे आप एक प्रिंसेस का ब्लाउज बनाना। इसे मैंने लेस लगाकर तैयार किया है और ये पहनने में बहुत ही सुंदर दिखता है। और इस वीडियो में आप नाप लेकर कटिंग करना, स्टिचिंग करना, ये तीनों एक साथ में सीखोगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। प्रिंसेस कट ब्लाउज एक डिजाइनर ब्लाउज है जिसे आप साड़ी के साथ पहन सकते हैं और लहंगा के साथ भी पहन सकते हैं। ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और बनाना भी इसे बहुत आसान है। और इस वीडियो में मैं आपको नाप लेकर कटिंग करना, स्टिचिंग करना, ये तीनों साथ में बताऊंगी जिससे आपको बनाने में आसानी हो। तो बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और सीखिए। चलिए नाप लेना शुरू करते हैं। ब्लाउज के दोनों पार्टों को अच्छे से मिलाकर रखिए और लंबाई की साइड से इसका नाप लीजिए। तो आपको इंची टेप गले के पास से रखना है, इधर से आपको लंबाई मिल जाएगी। जितनी भी लंबाई आती है उसको लिख कर रख लीजिए। जैसे इसकी लंबाई आ रही है 14 इंच। अब शोल्डर का नाप लेने के लिए आपको एक हुक बंद करके रखना है जिससे इसकी गले की चौड़ाई नहीं बढ़ेगी। अच्छे से गले को मिलाकर रखिए। तो नाप आपको आस्तीन के पास से लेना है। आस्तीन के पास इंची टेप को रखिए और दूसरी आस्तीन तक मिलाकर चेक कर लीजिए। जितना आता है उसको लिख कर रख लीजिए। तो शोल्डर का नाप लेने के बाद फिर आपको लेना है गले की लंबाई का। तो इस तरह आप गले की लंबाई का ले लीजिए और फिर आप पीछे के गले की लंबाई को चेक कर लीजिए। इस तरह जो भी सही जाती है उसको लिख कर रखते जाइए। तो लंबाई का आपको इधर से लेना है और शोल्डर का इधर से लेना है। उसके बाद लेना है आपको सीना का नाप। तो सीना का नाप आगे की साइड से भी ले सकते हैं और पीछे की साइड से भी ले सकते हैं। तो पीछे की साइड से लेने के लिए आपको क्या करना है, इसका हुक खोलना है पहले और इस तरह आप चेक कर लीजिए जिससे आपको परफेक्ट नाप मिल जाएगा कि कितने साइज में इसकी कटिंग हुई है। तो जैसे इसका पार्ट बना है 9.5 इंच का, तो मतलब कि इसकी साइज है 38 इंच। 38 के चौथाई भाग से इसकी कटिंग होगी जब आप ब्लाउज से बनाएंगे। और ये ब्लाउज बनेगा किसके लिए, 36 की बॉडी के लिए, क्योंकि ब्लाउज में 2 इंच की लूजिंग होती है। ठीक है, आप आगे की साइड से भी नाप कर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो होता है ये प्लेटों से सीना के ऊपरी भाग में फिटिंग आ जाती है। अब आपको इधर से नाप लेना है कमर के लिए, नीचे की साइड से कमर के लिए इस तरह नाप ले लीजिए। और जितनी साइज आती है उसको लिख कर रखिए। यहाँ पर बस हाई की पट्टी को छोड़ दीजिए क्योंकि ये पट्टी अलग से जॉइंट की जाती है। तो इस तरह इसको लिख कर रख लीजिए। उसके बाद अब आपको नाप लेना है आस्तीनों की लंबाई का। तो इस तरह आपको लंबाई मिल जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे आपको मोहरी का नाप लेना है। जितनी साइज आती है उसको नोटिस करते जाइए। और इसमें खास बात होती है फिटिंग के लिए आस्तीन की गुलाई जो आर्म होल में फिक्स की जाती है। तो इस तरह आप गुलाई को चेक कीजिए जिससे आस्तीन आपकी फूलेगी नहीं और पहनने में फिटिंग से रहेगी। ठीक है, तो जितनी आपकी फिटिंग की ब्लाउज की आस्तीन आती है उतना ही आप फिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपको नाप लेना है और इसको लिख कर रखना है, उसी के हिसाब से कटिंग होगी। तो इस तरह आप नाप लेकर लिख कर रख लीजिए और गले के आगे और पीछे की लंबाई का भी नाप ले लीजिए, फिर उसी के नाप से कटिंग की जाती है। लेकिन हम जल्दी और आसानी से बनाने के लिए यूज करेंगे पैटर्न का। तो अब मैं आपको पैटर्न से बहुत जल्दी और आसानी से बनाना बता रही हूँ। तो ये ले लिया मैंने ब्लाउज पीस, तो ये ले लिया मैंने पैटर्न को। पैटर्न से ब्लाउज बहुत जल्दी बनता है और बनाने में बहुत आसानी होती है क्योंकि इसमें निशान नहीं लगाना पड़ते हैं और साइज को बार बार याद नहीं रखना पड़ता है। आपको तो बस पैटर्न काटना है और कपड़े पर रखना है। तो ये हमने निकाल लिया है पैटर्न। अब यहाँ पे अपनी साइज के हिसाब से एक पैटर्न को निकाल लेंगे। तो ये ले लिए हमने पैटर्न, जो एक पैकेट में 7 पैटर्न निकलते हैं। इसमें आपको 7 साइज मिलेंगी। जैसे इसमें लिखा है प्रिंसेस ब्लाउज का पैटर्न 30 से 42 साइज का। तो ये है 42 साइज का, ये है 40 की साइज का और ये है 38 की साइज का और ये है 36 की साइज का, ये है 34 की साइज का और ये है 32 की साइज का और ये है 30 की साइज का। अब मैं आपको इसे खोलकर दिखाती हूँ। तो ये है आगे का पार्ट
और ये है इसकी आस्तीन। इसमें छोटी साइज की आस्तीन दी गई है जो 3 इंच की है। प्रिंसेस कट में 3 इंच की आस्तीन बहुत सुंदर लगती है, ठीक है। तो इसमें ये छोटी वाली आस्तीन है और ये है मीडियम साइज की आस्तीन। जो मीडियम साइज की रहती है ये वो आस्तीन है और ये पीछे का पार्ट है। तो ये है पीछे का पार्ट और ये है आगे का पार्ट। जब ये दोनों इसमें जॉइंट हो जाते हैं तब ये तैयार होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाऊंगी। तो अब मैं 30 के पैटर्न को हटा देती हूँ और यहाँ पे 36 के पैटर्न को ले लेती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी ब्लाउज का नाप लेना बताया है कि उसकी साइज आ रही है बॉडी से 36 इंच। तो ये ले लिया मैंने 36 की साइज का पैटर्न। अब मैं आपको इसको नाप कर दिखाती हूँ। तो अब मैं आपको इसको नाप कर दिखा देती हूँ। ये 36 का पैटर्न है तो यहाँ पे देखिए इसका चौथा ही भाग आ गया है 9 इंच, ठीक है। तो ये हो गया है फिक्स 36 का, और ये हो गई है इसकी लूजिंग और ये है इसका मार्जिन। तो इस तरह पैटर्न को कंप्लीट किया जाता है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करना बता रही हूँ। तो कटिंग आपको इस लाइन के बाहर से करते जाना है। पैटर्न को काट के हमने निकाल लिया है। अब उठाएंगे ब्लाउज का पीस और उसको डबल में फैला देंगे। ये ले लिया है ब्लाउज का पीस, इसको कर देंगे डबल में। कपड़े को पहले सीधा फैला लीजिए और इन दोनों की किनारों को पकड़ के इसको डबल कर दीजिए। तो ये उल्टा हो गया है ऊपर की साइड, ठीक है। उल्टी साइड से इसकी कटिंग होगी और अच्छे से कपड़े को मिला लीजिए। अब इसी के ऊपर आपको पैटर्न उठाकर मिलाकर रखना है। तो जॉइंट वाली साइड अपने साइड रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है पहले पीछे के पार्ट को। तो पहले उठाना है आपको पीछे का पार्ट और उसको उठाकर जॉइंट वाली साइड से मिला देना है। ये इस साइड से खुलना नहीं चाहिए, इसलिए आपको पीछे के पार्ट को अच्छे से जॉइंट की साइड मिलाकर रखना है और बाकी पार्ट को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इस तरह आप सेट करते जाइए और यहाँ पर रख देंगे आस्तीन को। अगर आप नॉर्मल आस्तीन बनाना चाहते हैं तो इसको इस तरह रखिए और फिर इसको पलट दीजिए एक बार। जैसे ही आप पलट देंगे तो आस्तीन का पूरा सेप बन जाएगा और दोनों आस्तीनें आपकी एक साथ निकल आएंगी, ठीक है। मैं आपको पलट कर दिखा देती हूँ। इस तरह लेना है और इसी लाइन से इसको पलट देना है तो दोनों आस्तीनें आपकी एक साथ निकल आएंगी। और अगर आपको छोटी आस्तीन बनाना है तो छोटी आस्तीन को उठाइए, इस तरह मिलाकर रखिए और यहाँ पे निशान बना लीजिए इस तरह। तो जैसे इसकी कटिंग है वैसे ही पहले आप सेम निशान बना लीजिए। ये बन गया है इसका सेम निशान। अब इसी लाइन से लीजिए और इसको पलट दीजिए इस तरह। इसी लाइन से मिलाते हुए यहाँ पे रख देंगे। तो एक साथ ये दोनों आस्तीनें निकल आएंगी। यहाँ से आपको खोलना नहीं है, बस ये तो सेंटर की लाइन है, ठीक है। आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है।
तो इस तरह आप निशान बना लीजिए और निशानों पे ही कटिंग कर लीजिए। तो एक इंच में दो पॉइंट कम रहती है गुलाई, तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि एक इंच में दो पॉइंट कम करना है और इसका निशान बनाना है। तो ब्लाउज की कटिंग करने के बाद ये बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से आप हाई होके के लिए पट्टियां निकाल लीजिए। तीन तीन इंच के हिसाब से दो पट्टियां निकालना है, तो ये हो जाएंगी हाई और होके के लिए पट्टी। अब निकालना है आपको तिरछी पट्टियां है। अब इस बचे हुए कपड़े में से निकालेंगे हम तिरछी पट्टियां है, जो गले में यूज होंगी और छोटी आस्तीन में भी यूज होंगी। तो ये पट्टी रहती है डेढ़ इंच के हिसाब से, तो यहाँ पे आप इस तरह देखिए और डेढ़ इंच पर निशान लगा लीजिए। तीन चार पट्टियां आपको इसकी निकालना है। तो ये चार पट्टियां निकाल ली हमने गले के लिए, अब चार पट्टियां और निकालना है जो होंगी आस्तीन के लिए। तो इस तरह पैटर्न से बड़ी आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम सिलना शुरू करते हैं। अगर आप कटोरी ब्लाउज या प्रिंसेस कट ब्लाउज का पैटर्न घर मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड करना है और उसी पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम इन दोनों पार्टों को उठाएंगे और इसमें जॉइंट करेंगे और पीछे के पार्ट को भी साइड से रख देते हैं। तो अब आपको इन दोनों पार्टों को खोलना है और सामने की साइड निशान लगाना है कि ये आपका सीधा कपड़ा है, जिससे आपको याद रहेगा। और इसमें भी निशान लगा लीजिए कि ये आपका सीधा है। अब आपको एक पार्ट इसका उठाना है और एक पार्ट इसका उठाना है और इन दोनों को इस तरह पलटना है। तो फिर से ध्यान से देखिए कि इस तरह आपको ऊपर से मिलाना है, सीधा पार्ट आपका नीचे की साइड रहेगा और उल्टा साइड आपके ऊपर की साइड रहेगा, ठीक है। तो इसका ही उल्टा कपड़ा है, तो इस निशान को देखकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से आपको मिलाना है, तो बस इस तरह मिलाते जाना है और यहाँ पे आधे इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। यहाँ पे मैं आपको पिन लगाकर दिखाती हूँ, तो ऊपर से मिलाना है और यहाँ पे पिन लगा लीजिए, जिससे आपको संभालना नहीं पड़ेगा। बस इस तरह मिलाते जाइए, जैसी इसकी कटिंग है वैसे ही आपको इसको बस मिलाते जाना है। तो इस तरह आपको मिलाना है और पिन से रोक लेना है और बस आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालते जाना है। पिन को हटाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको गुलाई से घुमाते हुए सिलाई को ले जाना है,
सिलाई को डालने के बाद इस कपड़े को पलट देना है। अभी जो सिलाई का कपड़ा है उसको आप इस साइड कीजिए, साइड में करना है इस साइड, और इसको अच्छे से नाखून से दबाइए। अब आपको क्या करना है कि ये कपड़ा जो बढ़ गया है थोड़ा, उसकी सेटिंग कर देना है, क्योंकि ये कपड़ा जब गुलाई से होता है तो ये थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो उसे आप काट के निकाल दीजिए। तो इस तरह हम इसकी सेटिंग कर देंगे जिससे इसका कॉर्नर भी नहीं बनेगा और इसमें फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह इसकी सेटिंग कर देंगे। अब इसी तरह पार्ट हमें इसका जॉइंट करना है, तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि आर्म होल के साइड से इसे जोड़ना शुरू करना है। तो इस तरह आपको आर्म होल की साइड से मिलाना है और आराम से मशीन को निकालना है, जिससे जैसा इसका आकार है वैसी ही सिलाई आपकी फिनिशिंग से जाए। ठीक है, तो मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। यहाँ पे पिन लगा देती हूँ। तो इस तरह आप पिन को लगा कर रखिए जिससे सिलाई डालने में आसानी होगी, और यहाँ पे इसका पफ बन जाता है और इस प्लेट से यहाँ पे बेल्ट जैसी सुंदर फिटिंग आ जाती है। इस तरह इसमें भी हमने सिलाई डाल दी है। अब इसको पलट देंगे और इस कपड़े को इस साइड कर देंगे। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पे पफ बन जाएगा। तो इस तरह आपको इस कपड़े को मार्जिन के इस साइड झुकाना है जिससे फिनिशिंग रहेगी। अगर ये कपड़ा इस साइड हो गया तो ये सिलाई है जो वो उभर कर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो अब हम इसकी भी थोड़ी सेटिंग कर देंगे। इससे मिलाएंगे, इस तरह मिलाना है और जितना ये तिरछा है उतना ही इसकी सेटिंग कर देंगे इस तरह। तो आगे का पार्ट अब ज्वाइंट हो गया है। अब हमें इसमें हाई और हुकी की पट्टियां लगाना है। तो अब लेना है हाई और हुकी की पट्टी। तो ये ले ली हमने हाई और हुकी की पट्टी। तो एक पट्टी को डबल करना है, तो इसको डबल कीजिए और ये लगाइए हुकी की साइड। ठीक है, और सिंगल पट्टी लगेगी हाई की साइड। इसको मैं इस तरह रख देती हूँ। हुकी के लिए लेना है डबल पट्टी और सिंगल पट्टी रखना है हाई की साइड। अब यहाँ पे दो पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए, मिलाते जाइए और दो पॉइंट के हिसाब से मशीन चलाते जाइए। इस पे भी आपको दो पॉइंट के हिसाब से मशीन चलाना है। तो ये दोनों सिलाई आपकी दो पॉइंट के हिसाब से डलेंगी। इस तरह आपको सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद जो हुकी की पट्टी है उसको इस तरह झुकाना है आपको। ये हुकी की पट्टी है जिसको नीचे की साइड झुकाना है आपको और ऊपर से इसमें सिलाई डालना है। तो ये सिलाई आपको किनारे से डालनी है जिससे ये कपड़ा आपका इस साइड नहीं बढ़ेगा। तो इसके ऊपर से एक सिलाई डालिए और फिर उसके बाद सिलाई डालने के बाद इस पट्टी को पकड़ना है, अंदर की साइड पलट देना है। इस तरह पट्टी को पलट दीजिए और इस पे फिर आप कच्ची सिलाई डालिए। ठीक है, जिसको उधेड़ कर फिर तुरपाई की जाएगी। तो इस पट्टी पे हमने कच्ची सिलाई डाल दी है। कच्ची सिलाई का मतलब होता है बड़ी बड़ी सिलाई। ठीक है, अब इस पट्टी को ज्वाइंट करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बड़ी हुई पट्टी है उसको काट कर निकाल देंगे। अब आपको हाई की पट्टी बनाना है। तो हाई की पट्टी बनाने के लिए पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड कीजिए और अच्छे से नाखून से दबा लीजिए। अगर आपका कपड़ा नहीं दब रहा है तो पहले आप इस पे एक सिलाई डाल लीजिए जिससे कपड़ा अच्छे से रुक जाएगा। उसके बाद इस कपड़े को, जो मार्जिन का कपड़ा है उसको दबा दीजिए, इसको पकड़िए और इसके ऊपर रख दीजिए।
तो इस तरह आप दबाकर कपड़े को पकड़िए और यहाँ पे अच्छे से नाखून से दबा लीजिए। इस तरह बस पट्टी को संभालते जाना है और इसके ऊपर सिलाई को डालते जाना है। तो एक सिलाई आपकी किनारे से चलेगी और दूसरी दो पॉइंट की दूरी से चलेगी। तो इस पे मैंने दो सिलाई डाल दी है। उसके बाद इसका भी जो कपड़ा बढ़ रहा है उसको काट कर निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल दिया है। अब यहाँ पे तुरपाई पट्टी बनाएंगे। तो उसके लिए इस निशान को देखिए आप, इस निशान को देखना है और इसी निशान के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। अब आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कीजिए और यहाँ पे पिन लगा लीजिए। तो इस तरह आप कपड़े को फोल्ड कर दीजिए और पिन से रोक लीजिए। अब इस पे भी आप कच्ची सिलाई डाल दीजिए। इस पे भी तुरपाई की जाती है, इसको धागे को निकाला जाएगा और यहाँ पे तुरपाई की जाएगी। अब इसी तरह हमें इसमें भी पट्टी बनाना है, तो इसको भी पलट के उल्टा रख लेंगे। इस तरह इसके सामने रखिए, इसके सामने रखेंगे आप तो दोनों पट्टियां आपकी बराबर से रहेंगी और इसी के बराबर से कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। अब अंदर की साइड आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और यहाँ पे भी पिन लगा लेना है। तो इस तरह आप मिलाकर रखिए और इसमें कच्ची सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको तुरपाई पट्टी बनाकर कंप्लीट करना है। आगे के पार्ट को तैयार करने के बाद अब हम इसको साइड से रख देंगे। अब उठाएंगे पीछे के पार्ट को। तो ए ले लिया हमने पीछे का पार्ट। अब इसको पलट कर उल्टा रख देंगे। इस तरह उल्टा कीजिए और इस निशान को डार्क कर लीजिए। इस तरह डार्क कीजिए और बीच सेंटर से पकड़ते हुए इसको पलट दीजिए और अच्छे से जैसे आप दबा देंगे इसको तो इसका निशान इस साइड भी आ जाएगा। तो देखिए ए निशान इस साइड भी आ गया है। तो अब आपको क्या करना है कि इसको पकड़ना है और इसकी प्लेट बनाना है। तो इसको बीच सेंटर से पकड़िए, इस तरह पकड़ना है। इधर से आपको सीधी सिलाई ले जाना है और फिर कम करते हुए यहाँ पे कपड़े में मिला देना है। इसी तरह में दोनों प्लेटें तैयार करना है। तो इस तरह आपको दोनों प्लेटें बनाना है। प्लेटें बनाने के बाद अब इसको सीधा करना है और इसके ऊपर आपको आगे के पार्ट को रखना है। इस तरह शोल्डर से मिलाकर रखिए। तो शोल्डर से मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि ये पार्ट रहेगा सीधा और आगे वाले पार्ट रहेंगे उल्टे। ठीक है, बस मिलाकर इसको पकड़िए और सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह तो दोनों साइड हमने इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको नीचे की साइड इसकी तुरपाई पट्टी तैयार करना है। तो तुरपाई पट्टी के लिए आपको क्या करना है कि इसी निशान से कपड़े को फोल्ड करना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड किया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो पीछे का पार्ट होता है वो प्लेट बनने के बाद इसका झुकाव नीचे की साइड होता है, इसलिए इसको आधा इंच मार्जिन की साइड से ऊपर को लेना है। तो इस तरह आप थोड़ा सा इसको ऊपर को ले जाइए, इस तरह, जिससे इसके कोना नहीं निकलेंगे। और या फिर आप इस तरह मिलाकर देख लीजिए, इधर से बराबर से मिलाइए
और इस पार्ट को ज्वाइंट करते हुए यहाँ पे देखिए कि कितना एक्स्ट्रा है, उतना आप तुरपाई में दबा सकते हैं या फिर उसको काट कर भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से तो ये बिल्कुल बराबर हो रहा है, तो ये जितना मार्जिन हमने लिया था उतना ही पकड़ेंगे और इसको अंदर की साइड पलट देंगे। इस तरह आप अंदर की साइड पलट दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा ले जाइए, जिससे आपके दोनों पार्ट बिल्कुल परफेक्ट मिल जाएंगे। इस तरह हमने इसको दबा दिया है। अब इस पार्ट को हटा देंगे और इसको पलट देंगे। तो इस तरह आप इसको अंदर की साइड कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको काट के सीधा भी कर सकते हैं। तो इस तरह संभालते हुए आपको इस पट्टी को बनाना है, जिससे कॉर्नर नीचे की साइड को ना निकले, ठीक है। अब इस पे कच्ची सिलाई डालना है। तो इसमें मैंने कच्ची सिलाई डाल दी है। प्रिंसेस का डिजाइनर ब्लाउज होता है, अगर आप इसमें सुंदर सा लुक देने के लिए यहाँ पे लेस ज्वाइंट करेंगे तो ये और सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेस लगा देती हूँ। आप चाहें तो बनाते समय इसमें एक पाइपिंग डाल सकते हैं बीच की साइड, तो जिससे बहुत सुंदर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेस लगा रही हूँ। तो पहले कमर के बराबर से लेस को काट कर निकाल लेंगे। कमर में लगेगी इसकी लेस आस्तीनों में और आगे के पार्ट में। तो ये हो गई लेस कमर के लिए। अब इसके बराबर से लेस को काट लेंगे। तो इस तरह आपको लेस नापना है और यहाँ पे एक इंच बड़ा कर ले लीजिए, जिससे अंदर की साइड इसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह इसके बराबर से लेस को काट लीजिए। तो लेस लगाने का सिंपल आइडिया है कि बस इसको रखिए और मिलाते हुए इसमें दो सिलाई डाल देंगे। एक सिलाई इधर से रहेगी और दूसरी सिलाई इसके इस साइड से रहेगी। एक सिलाई इस साइड से और दूसरी सिलाई इस साइड से, ठीक है। और अगर लेस वर्क वाली है तो आप उसको सुई धागा से टांग दीजिए। तो मैं भी इसको सुई धागा से लगा रही हूं। तो सुई धागा से इस तरह लेस को ज्वाइंट कर दीजिए। लेस को ज्वाइंट करने के बाद अब उठाना है आपको आस्तीन है। तो ये ले ली हमने आस्तीन और इसको भी मैं साइड से रख देती हूँ। अब देखिए आपको आस्तीन खोलना है और इसमें पहले निशान लगाना है कि ये आस्तीनें हमारी सीधी हैं। अब दूसरा निशान लगाना है आपको कि किस साइड गहराई है, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो कि ए है गहराई और ए है गहराई। जो गहराई वाला पार्ट है वो आएगा आगे के पार्ट में, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह इस निशान को बना देती हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब ब्लाउज को फैला कर रखिए और इस पार्ट को उठाइए और गहराई वाली साइड आगे के पार्ट में जॉइंट कीजिए। तो आस्तीन आपकी उल्टी है, इसका भी आपको ध्यान देना है कि ए सीधा रहेगा और आस्तीन उल्टी रहेगी। और मिलाते हुए इस तरह मिलाते जाइए और इसका सेंटर में एक पिन लगा लीजिए। जो इस शोल्डर की सिलाई होती है उसी के पास इस सेंटर को मिलाना है, ठीक है। इसको हमने इस तरह मिला दिया है और यहाँ पे पिन लगा लिया, जिससे अब ये सेंटर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब बस एक साइड से मिलाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए, और अगर आपसे सिलाई डालते ना बने तो यहाँ पे पिन लगा लीजिए, ठीक है। पिन लगाइए और बस मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो ये सिलाई रहेगी आधा इंच के हिसाब से। तो आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाइए और आस्तीन को संभालते जाइए। इस तरह मिलाना है और बस मशीन को घुमाते हुए इसको कंप्लीट करना है।
तो इस तरह आप आस्तीन में मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। सिलाई डालने के बाद मार्जिन का जो कपड़ा होता है उसको ऊपर की साइड कीजिए इस तरह, और अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे नाखून लगा दीजिए। तो जिससे आपकी आस्तीन बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी और ये उभर कर दिखेगी। इसको लगाते समय कहीं से आपको कपड़ा खींचना नहीं है। अगर यहाँ पे मार्जिन की साइड थोड़ा सा कम हो जाता है तो मार्जिन की साइड आप छोड़ सकते हैं, और अगर कहीं पे हल्का सा बढ़ जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीछे की साइड थोड़ा सा बढ़ गया है, तो उसकी सेटिंग कर दीजिए। बस इस तरह आप सेटिंग करके निकाल दीजिए। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से आस्तीन को फिट कर सकते हैं। अब इसी तरह आस्तीन हमें दूसरी साइड लगाना है, आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो फिर देखिए एक बार कि इसको सीधा रखना है, आस्तीन उठाइए और इसको उल्टा रखिए। तो सीधे की साइड देख लीजिए कि जो आपने निशान लगाया है वो गहराई वाला है और ये आगे के पार्ट में आएगा, और यहाँ पे बीच सेंटर में लगाइए कट, कट लगा लीजिए या निशान बना लीजिए। अब इस बीच के सेंटर को इस जॉइंट से मिला दीजिए, शोल्डर के जॉइंट से मिलाना है, और मिलाते हुए आपको सिलाई डालते जाना है। बस इस तरह संभालते जाएंगे और मिलाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह मिलाते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से दोनों आस्तीनों को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो इस छोटी आस्तीन की कटिंग होती है गुलाई से, इसलिए इसमें मार्जिन जो दिया गया है वो आधा इंच का मार्जिन है। इसमें आपको अलग से पट्टी ज्वाइंट करना है, और पट्टी को सीधा नहीं लेना है, और एक वाली पट्टी ही इसमें ज्वाइंट होगी। जो हमने कटिंग करते समय और एक पट्टी निकाली थी वही इसमें ज्वाइंट करेंगे। तो इस पट्टी को हमने सीधा कर लिया था, ठीक है। तो ये इसकी तिरछी पट्टियां हैं, ठीक है। तो एक पट्टी को सीधा रखिए और दूसरी को उल्टा रखिए, और इस पट्टी को इस तरह मिलाइए, और मिलाते हुए इस तरह आपको तिरछी सिलाई डालना है जिससे सीधी पट्टी जॉइंट हो जाएगी। तो इसमें मैंने दोनों में सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको इसको दो पॉइंट की दूरी से काट कर निकाल लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट लीजिए। इसको काट दिया है, अब इस कपड़े को दो भाग में बांट देना है इस तरह, और इस पट्टी को डबल कर लीजिए। इस तरह डबल कीजिए और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। सामने की साइड से आपको पट्टी रखना है और मिलाते हुए इसमें सिलाई डालते जाइए। तो मिलाते हुए सिलाई डालिए और फिर इसको अंदर की साइड पलट दीजिए। तो इस तरह बस पट्टी को मिलाकर रखिए और इस पे सिलाई डाल दीजिए। सिलाई डालने के बाद इसको अंदर की साइड पलट दीजिए इस तरह, इसको पकड़ना है और पीछे की साइड निकाल देना है। तो इस तरह ये पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी, और आप चाहें तो इस पट्टी को सिंगल भी लगा सकते हैं, ये सब आपकी पसंद का रहेगा। मतलब पट्टी आपको इसमें तिरछी ज्वाइंट करना है, आप सिंगल चाहें तो सिंगल लगा सकते हैं, डबल चाहें तो डबल लगा सकते हैं, और यहाँ पे पाइपिंग बनाना चाहे तो इस तरह पाइपिंग बना सकते हैं।
तो मैं इसमें लेस लगा रही हूँ, इसलिए पट्टी को नीचे की साइड पूरी पट्टी को निकाल देंगे। इस तरह बस संभालते जाएंगे और इस पे सिलाई डालते जाएंगे। तो इस तरह बस पकड़ कर रखिए और संभालते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इसको मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब इसको सीधा करेंगे और इसके ऊपर लेस को जॉइंट कर देंगे। तो दोनों आस्तीनों में हमने लेस को जॉइंट कर दिया है। लेस को जॉइंट करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। तो पीछे के पार्ट को पकड़ना है और आगे की साइड पलट देना है। आप फिटिंग को पीछे की साइड से भी कर सकते हैं या आगे की साइड से भी सिलाई डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये जो फिटिंग का निशान लगा है इसी के ऊपर आपको सिलाई चलाना है। तो पहले आस्तीन के जॉइंट को इस तरह मिला लीजिए। इस तरह करना है आपको, मिलाते हुए यहाँ पे एक पिन लगा लीजिए जिससे आपकी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं होगी। अब इस निशान को सीधा कर देंगे नीचे की साइड तक और बस इसी के ऊपर आपको सिलाई चलाना है। यहाँ पे एक बार मोहरी को चेक कर लीजिए जिससे मोहरी आपकी फिटिंग में रहे। तो जितनी साइज मोहरी की है उसके हिसाब से यहाँ पे फिटिंग होगी। इस तरह मिलाना है और सीधी सिलाई डाल देना है और इसी तरह सिलाई हमें इस साइड डालना है। तो आस्तीन की सिलाई को इस तरह मिला लीजिए। अब इस निशान को डार्क कर लीजिए और अगर निशान नहीं बना है तो इस निशान को इस तरह पलट दिया जाता है जिससे ये निशान इस साइड आ जाता है। इस पे हल्का सा निशान है तो उसको डार्क कर दिया और यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे और बस मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह निशान पर ही आपको फिटिंग की सिलाई चलाना है। तो अब आप चाहें तो कमर की साइज को चेक कर लीजिए। जितनी आपको कमर चाहिए उतना आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। अगर ये ज्यादा होता है तो आप साइड की सिलाई से इसको कम कर सकते हो और अगर कम होता है तो आप इस सिलाई को तोड़ के थोड़ा इस साइड बढ़ा सकते हो जिससे लूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने हाई की पट्टी को छोड़ दिया है और इस तरह नाप कर चेक कर लिया है। तो इस तरह इसकी कमर फिक्स आ रही है। इसी तरह आपको अपनी साइज के हिसाब से चेक करना है। तो इसके पूरे ब्लाउज की फिटिंग इसी एक सिलाई से होती है। अगर ये लूज या टाइट है जो भी है आप इससे सही कर सकते हो। अगर आप इस सिलाई को पीछे की साइड बढ़ा देंगे तो ये लूज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ये लूज हो रहा है तो इस सिलाई को आप इस साइड से डाल दीजिए। थोड़ा सा पीछे की साइड लेंगे तो ये आपका फिटिंग में आ जाएगा। इस तरह फिटिंग की जाती है। तो अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ और यहाँ पे आप पिन लगा कर रखेंगे तो आस्तीन आपकी गुलाई से और परफेक्ट आ जाएगी। कोई भी आस्तीन छोटी बड़ी नहीं होगी। इस तरह इस सिलाई को डाला जाता है। अब हमें गले में पाइपिंग लगाना है। तो जैसे तिरछी पट्टी हमने आस्तीन के लिए ज्वाइंट की थी वैसे ही तिरछी पट्टी अब गले के लिए तैयार करना है। तो तिरछी पट्टी को आपको ऐसे ही रखना है जैसे अभी मैंने बताई थी ना आपको कि इसको सीधा रखिए और इसको उल्टा रखिए। बस मिलाकर इसमें तिरछी सिलाई डाल दीजिए। तो ये सिलाई आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये सिलाई इस तरह जाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं रेड कलर की इसमें पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ। मैं पाइपिंग लगा रही हूँ ब्लैक कलर की, इसलिए हम ब्लैक कलर की पट्टियों को ज्वाइंट करेंगे। तो ये और ये पट्टी हमने ज्वाइंट करके इसको तैयार कर लिया है। उसके बाद इस पट्टी को डबल कीजिए और अच्छे से नाखून से दबाते जाइए। जैसे आप नाखून से दबाएंगे तो ये पट्टी जो ओरे होती है वो थोड़ी सी लंजिंग ले लेगी। और अच्छे से इसको पलटिए। तो अच्छे से इसको पलटते जाइए। पलटने से यहाँ पे एक जॉइंट का निशान बन जाता है जिससे दोनों कपड़े बराबर से रहते हैं।
आधा इंच पट्टी को आगे की साइड निकाल दीजिए और बस मिलाते हुए रखते जाइए, और जितनी ये और ये पट्टी खींच रही है उसको बस संभालते हुए पकड़िए और सिलाई डालते जाइए। तो ये सिलाई आपकी दो पॉइंट की दूरी से चलेगी। तो इस तरह आपको मिलाना है और मिलाते हुए सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह पट्टी को लगाकर तैयार कीजिए। तैयार करने के बाद अब आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग करना है, जिससे पाइपिंग आपकी अच्छी फिनिशिंग से लगेगी। ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी थोड़ी थोड़ी सेटिंग कर लीजिए, जिससे अच्छी पतली पाइपिंग बन जाएगी। तो इसी तरह सेटिंग पूरी पट्टी की करना है आपको। तो इस तरह हमने पूरी पाइपिंग की सेटिंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि इस एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह पकड़िए और अंदर की साइड फोल्ड कर दीजिए। अब इस कपड़े को आपको मार्जिन की साइड फोल्ड करना है। ये जो मार्जिन का कपड़ा होता है उसी के ऊपर फोल्ड कर दीजिए इस तरह। तो इस तरह आप पकड़िए और इसके किनारे से सिलाई चलाते जाइए। सिलाई आपकी किनारे से चलना चाहिए, पाइपिंग के ऊपर नहीं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो मार्जिन का कपड़ा होता है वो इसके अंदर भरना है और सिलाई आपको पाइपिंग के नीचे चलाना है। फिर आप जितनी पतली पाइपिंग चाहो उतना बना सकते हो। तो इस तरह आपको गले में पाइपिंग लगाकर इसको तैयार करना है। अब मैं आपको सही से रख कर दिखाती हूँ। तो इस तरह प्रिंसेस कट ब्लाउज बनकर कंप्लीट हुआ। तो देखा पैटर्न से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना कितना आसान है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखा पैटर्न से प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना कितना आसान है, और इससे आप एक पैटर्न से दो टाइप के ब्लाउज बना सकते हैं। अगर आप पीछे से ओपन करना चाहते हैं तो पीछे से भी ओपन कर सकते हैं, और आगे से ओपन करना चाहें तो आगे से भी ओपन कर सकते हैं। तो बस आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए और बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, और एक पैटर्न से दोनों टाइप के ब्लाउज बन जाएंगे, आगे के ओपन वाला और पीछे के ओपन वाला भी। और पैटर्न आपके पास कई सालों तक रहेगा, और एक पैटर्न से आप हजारों ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज का पैटर्न घर मंगाना चाहते हैं तो जल्दी से राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।